हेलो दोस्तों, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में हीरो जीरो करते हैं और आज तक आपने कितना प्रॉफिट करा मुझे नीचे कमेंट करके बताना। आज हमने क्या प्रॉफिट करा पहले आप देखो। यहाँ पर मात्र और मात्र हमने 566 रुपये इन्वेस्ट करे हैं और उस पर हमने प्रॉफिट पता कितना करा है, 3768 रुपये। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि इतना प्रॉफिट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले पता है हम कितने हज़ार रुपये लॉस में थे? इससे पहले हम थे 12,000 रुपये लॉस में। तो अगर आप में लॉस देखने की क्षमता नहीं है तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बना है। यहाँ इतना ज़्यादा रिस्क है दोस्तों, मैं इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा रिस्क है कि आप मेरे से पूछो ही मत कि कितना रिस्क है, आप सबको पता ही, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि हम जो है कम से कम लॉस करें, तो इसका तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। आप वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। ये देखिए चार्ट, मार्केट एक बेस बना रहा था, मार्केट में एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद फिर दूसरा ब्रेकआउट आया। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, यहाँ देखो, तो आपका स्टॉप लॉस, जैसे कि अगर मैं डायरेक्ट चार्ट पे चल के आपको बताऊँ, आपको क्या स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है सही तरीके से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ ट्रेड ले रहे हो, वैसे तो ये वाला लेना नहीं है आपको, मतलब कि आप कम पैसे वाला, मैं ये बता देता हूँ जो कि 137 रुपये वाला है। तो अगर आप 137 रुपये पर ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 120 रुपये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम रिवर्सल प्ले कर रहे हैं। रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि मार्केट यहाँ बेस बना के यहाँ से हमें ऐसा लगता है कि ऊपर जाएगा तो हम वो ले कर रहे हैं। तो जब आप इस प्रकार से ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीख जाओगे कि आपको पता रहेगा कि आपका रिस्क छोटा रहेगा और रिवॉर्ड इतना बड़ा था। हम सबको पता था कि यहां से मार्केट ग्रीन लाइन टच करने की मुझे पहले ही लग रहा था, पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि डाउ फ्यूचर नैस्डैक फ्यूचर रिकवर करने लगे हैं और मार्केट में ऐसा कोई खास दिक्कत थी नहीं कि मतलब मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाए। वो तो एक्सपायरी की वजह से मूव आते हैं। मार्केट में जो बड़े प्लेयर होते हैं वो इस प्रकार का मूव जानबूझ कर लाते हैं ताकि सपोर्ट खरीद लें और वो मार्केट को बढ़ा लें। ऐसा ही सेम उल्टा कॉल साइड में होता है कि मार्केट अचानक से ऊपर खुलता है, ऊपर ऊपर ही जाता है और वहां से वो गिर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये है कि आपको आपका प्रॉफिट पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कितना करोगे, आपको आपका रिस्क पता होना चाहिए कि भैया स्टॉप लॉस हमारा कितना, क्या हम लगाएंगे, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने 214 रुपये पर लिया है इसको, ठीक है। तो अगर हम इसमें स्टॉप लॉस लगा देते हैं आपके सामने, 214 रुपये पर लिया है तो 214 पे लिया तो 160 रुपये का स्टॉप लॉस लगा देते हैं, ठीक है। टारगेट चलो रख देते हैं यहाँ से 350 रुपये के टारगेट रख देते हैं और सेल बटन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है तो फिर आप बहुत बड़ी दिक्कत में हो, ठीक है। तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा। फिलहाल अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरा प्रॉफिट कितना मुझे करना है। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप लोगों को देख कर प्रॉफिट कर लेंगे, मतलब कि मैं आपको कॉल टिप दे दूंगा आप प्रॉफिट कर लोगे, तो बिल्कुल गलत हो आप लोग। मैं कोई भी कॉल टिप नहीं देता हूं, पहली बात तो यही है, ठीक है। और दूसरी बात ये मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप कॉल टिप के चक्कर में पड़ोगे कभी प्रॉफिट कर ही नहीं पाओगे। यहां पर जितना भी मैं खुद प्रॉफिट लॉस करता हूं मैं खुद के दम पर करता हूं, दूसरा मुझे आके नहीं बताता है। और यहां पर कोई हम देखो, ये देखो एक हीरो जीरो के चक्कर में जो है लॉस हुआ वो मत देखो। 8 रुपये हमारा एवरेज प्राइस था, मैंने इसको एवरेज करा था 7,000 रुपये लगाकर और मतलब कि 4,900 में के लॉस में एग्जिट करा। और अगर अभी ये मेरे पास होता तो सोचो 8 रुपये वाला प्रीमियम 29 पे चल रहा है, 28 पे चल रहा है, कितना प्रॉफिट हमको हो सकता था। तो ऐसे नहीं होगा। आप ये मत सोचो कि इतनी ईजिली तरीके से आप प्रॉफिट लॉस मतलब सॉरी प्रॉफिट कर लोगे। प्रॉफिट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, थोड़ा सीखना समझना पड़ता है, ये देखना पड़ता है ग्लोबल मार्केट क्या कर रहे हैं, डाउ फ्यूचर नेस्टेक क्या कर रहे हैं। मार्केट में देखो अभी मैं आपको बताऊँ यहाँ क्या था, सपोर्ट था। तो मैंने कहाँ बाय करा था पता है, सपोर्ट पर ही बाय करा था। ये सपोर्ट से मार्केट ने रिवर्स दिया है। मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट जो है सपोर्ट पर आकर जरूर रुकता है, अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो सपोर्ट पर आके वो जरूर रेस्पेक्ट सपोर्ट को देगा। अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट रेजिस्टेंस जो होते हैं रेजिस्टेंस उसको रिस्पेक्ट देता है, रेजिस्टेंस पे रुक जाएगा, रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं वैसे तो, रेजिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा और वहाँ से नीचे आएगा। और जब मार्केट को बढ़ना रहता है तो मार्केट फिर सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान देता है ना कि रेजिस्टेंस पर, ठीक है। तो ये आप जितना अच्छे से समझ लोगे आप सबके लिए उतना ही अच्छा है। और दूसरों को देख के अपना डिसीजन मत लिया करो, आप अपने हिसाब से करो। यहाँ पर देखो मैं आपको एक और बात बताऊँ, जोमेटो में मैंने इंट्राडे ट्रेड करा था, इसमें मुझे 5,300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था लाइव, लेकिन मैंने सोचा चलो जोमेटो अभी 2% बढ़ा है, आज भी 4-5% बढ़ेगा। और जोमेटो का हाल बताऊँ आपको, इधर एक्सप्लोर में चलते हैं और जोमेटो का हाल देखो। तो ये तो सोचो ही मत कि तुम जैसा सोच रहे हो एकदम वैसा ही होता रहेगा मार्केट में, ठीक है, होगा, लेकिन आपको अपना देखना पड़ेगा कि आपको
प्रॉफिट क्या है, आपका लॉस क्या है, ये सब आप देखो और चलो अपन भी अपना प्रॉफिट बुक कर ही लेते हैं। कौन इतना रुकेगा इसके चक्कर में कि 3,000 रुपये मिल रहे हैं, जब अच्छे खासे 12,000 की लॉस से आकर 3,000 रुपये मिल रहे हैं तो वो बुरे तो नहीं होंगे मेरे हिसाब से। अब लालच ये है लोगों को कि देखो मैंने 6 ट्रेड करे हैं, 6 ट्रेड के पीछे मेरा रीज़न यही था कि मार्केट में रिवर्सल आएगा और मेरे को कुछ तो मिलना ही चाहिए, आज मैं इतना लॉस लेकर नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब भगवान की कृपा से वो मिल गया है हमको। ठीक है, तो आप लोग पहले सीख लो, समझ लो। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जितने भी लोग आपको लाखों करोड़ों का प्रॉफिट बताते हैं ना, उसमें से ज़्यादातर वो फेक बताते हैं। अगर वो ज़ीरोधा यूज़ कर रहे हैं, ज़ीरोधा का बताते हैं, तो वो फेक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग बिना मतलब का ही आपको ज्ञान बांटते हैं। भैया पहले उनसे पूछा करो कि तुमने कोई पोजीशन ली है, तो इस प्रकार लाइव बताओ जैसे मैंने आपको लाइव बता रहा हूँ ये सब। ठीक है, इस प्रकार से चलो आप लोगों को अभी विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो इसका मेरा ये देखो बाइंग प्राइस देख लो, 214 था, 276 रुपये 63 पैसे पे अपने इसको निकाल दिया है, सॉरी हाँ इतने पे ही निकाल दिया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कि कौन ट्रेड करता है, कौन ट्रेड नहीं करता है, कौन बिन मतलब का हमको ज्ञान दे रहा है, हमको कैसे पता चलेगा कि भैया तुम प्रॉफिट में हो लॉस में हो। ठीक है, तो आप लोग पहले देखो, उसके बाद सीखो समझो, उसके बाद करो। अब यहाँ से मार्केट में इतना बड़ा रिवर्सल आ गया, आप सबको लग रहा है। ठीक है, कोई गारंटी तो है नहीं कि इसको यहाँ से और ऊपर चला जाएगा, इसकी कोई गारंटी ये भी नहीं है कि यहाँ से और नीचे चला जाएगा। तो इसमें क्या काम में आता है, इसमें आपका काम आता है आपका SL, स्टॉप लॉस, आपका प्रॉफिट, ये सब काम में आएगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। नहीं तो ऐसे तो बस आप देखते ही रह जाओगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं एक बार और बता देता हूँ, हमारा जो हमने इसमें 556 रुपये इन्वेस्ट करे थे, प्रॉफिट हुआ है हमको 3768 रुपये का, जो कि आप एकदम रियल देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं 2-4 बातें आपको एक और बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो अगर आप बिगिनर हो तो देखिए, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, और मैं एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा 1 से 1.5 घंटे का, जिसमें A to Z ऑप्शन ट्रेडिंग की जानकारी आपको दे दूंगा। वो जानकारी ये रहेगी कि जो बिगिनर को नहीं पता होता है वो जानकारी उसके लिए वो है, वो ये नहीं है कि वो उससे बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लेगा। ठीक है, तो वो जानकारी सिर्फ सीखने के लिए है, और मैं कुछ 1-2 बातें आपको और बता देता हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो आपने मेरा प्रॉफिट देखा, ठीक है, आपने ये देखा कि मैंने 566 रुपये लगा के 3768 रुपये का प्रॉफिट कर लिया। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये 566 रुपये भी नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि इससे पहले आप प्रॉफिट करो, क्योंकि मैंने इससे पिछले 2-3 दिन पहले मतलब 15,000 रुपये का प्रॉफिट कर चुका हूँ मैं, तो वो प्रॉफिट का पैसा मैं यहाँ लगा दिया मैंने, तो यहाँ मुझे ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो वो बस मैंने हेज करा था। ठीक है, मैंने वो हेज इसलिए करा था कि अगर मार्केट तेज़ी से बढ़ जाएगा तो हमारा पैसा मल्टीपल हो जाएगा, जो कि हुआ भी है। ठीक है, तो मेरी बात सुन लो आप लोग, इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना बंद कर दो जो आपको ये बोल रहे हैं कि देखो मेरा प्रॉफिट देखो आप, उसके बाद आप भी इस प्रकार से प्रॉफिट कमा लोगे। लेकिन आपको ना मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, मेरा कोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, हम आपको कॉल टिप देंगे, तो उन लोगों को एकदम फॉलो करना बंद कर दो। फॉलो उसको करो जिस प्रकार की पोजीशन आपको दिखाता है, जो खुद ट्रेड करता है। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ भैया लाइक तो आप करते नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब भी आप करते ही नहीं हो। मैंने कई वीडियोज़ में देखा है उनके सब्सक्राइब तो वो कोई करता ही नहीं है ज़्यादा, मेरे सब्सक्राइबर भी काफ़ी कम है। तो जरा भैया थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट दिखाओ, और ताकि हम आपके लिए बेटर क्वालिटी का कॉन्टेंट बना सकें। ठीक है, हमारे फ्यूचर में बहुत अच्छे अच्छे प्लान है कि हम आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, ना कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको एकदम प्रॉफिट करवा देंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि आपका लॉस कम से कम हो, आपको हर एक चीज़ की जानकारी हो। जब आप ये 2 चीज़ें सीख लेंगे कि आपका लॉस कम से कम हो, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, तो आप खुद प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन पाओगे, और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर भी अपना फोकस करो तो वहाँ से भी अच्छा खासा प्रॉफिट आप कर सकते हैं। अब देखो, अगर मैं रुकता कि भैया नहीं बढ़ेगा, बैंक निफ्टी बढ़ेगा, तो अभी ये वापस से नीचे आ गया है। ठीक है, तो ये ऐसा ही करेगा। तो इस प्रकार अगर आपको मेरा वीडियो, फिर से बोल रहा हूँ, पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब मिलता हूँ मैं अगली बार, अगली वीडियो में।